नमस्कार फ्रेंड्स, देवनगरी उत्तराखंड की दौंड नगरी से मैं आपके होस्ट संगीता। तो लीजिए, आज मैं कढ़ी बनाने जा रही थी। भांजा आ रखा है, भांजे की फरमाइश थी कल कि मामी कल कढ़ी बनाना, तो बिना पकोड़े के तो कढ़ी अच्छी नहीं लगती। आपको ये देख के लग ही गया होगा, बैटर देख के, कि कढ़ी बन रही है इस घर में। तो मैं ये थोड़ा सा फेंट रही हूँ हाथ से, इसको जितना ही फेंटा जाए पकौड़ी बनाने के लिए, पकौड़ी उतनी फ्लफी बनती है। तो मैं ये काफ़ी घुलना पड़ता है, तो ऐसे करके इसको घुलते रहो। जब ये वाइट कलर का हो जाए, ये येलो होता है बेसन, जब वाइट कलर का हो जाए तो समझो अब तैयार है पकौड़ा बनाने के लिए। मैंने पकोड़े के लिए तेल रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, और अब इसको अब पकोड़े बनाएंगे। बिना प्याज लहसुन की पकोड़ी बनाऊंगी मैं पकोड़ी बिना प्याज लहसुन की ही बनाती हूँ, भंडारे वाली कढ़ी बनाती हूँ। बहुत टाइम से तबीयत खराब थी, डेंगू हो गया था फैमिली में सबको, तो मन आज कर ही रहा था कि कुछ अलग खाना था, दाल चावल खिचड़ी खा के परेशान हो गए थे आजकल, तो इस वजह से आज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ खाने का भी मन था। फिर भांजे ने कह दिया तो फिर बनाना ही था। फिर तो हांडी की दही, हांडी में दही जमा रखी थी, और मट्ठा भी डालूं। जो दही मट्ठा हमने फेंटा था वो बेसन मिला लेंगे उसमें। अब इसमें नमक, हल्दी और बेसिक मसाले जो डालते ही हैं, सब बेसिक मसाले डाल देंगे। हल्दी डाल दी, और थोड़ा सा मैं ये जो मैं घर पे सब्जी पाउडर बनाती हूँ, सब्जी मसाला, ये डाल दूंगी। हल्की सी मिर्च, क्योंकि अभी हम बिस्तर से उठे हैं तो हल्की सी मिर्च डालूंगी। तो इसे मिला के इसको अलग रख देते हैं, और अब करते हैं छौंका, तड़का जिसको बोलते हैं वो करते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं डाल दूंगी तेल। तो तेल तो मैं ज़्यादातर सरसों का ही यूज़ करती हूँ। अब इसको होने देंगे गरम।
अब इसमें सिर्फ चार चीजें डालेंगे, मेथी दाना, इसको थोड़ा सा पकने देंगे, एक एक ये वाला चम्मच, छोटा चम्मच, इसको थोड़ा चटकने देंगे। फिर डालेंगे ये सरसों दाना, सरसों दाना होता है ना, साबुत दो लाल मिर्च, इसको थोड़ा हिला लेंगे कि ये ढंग से पक जाए, और लास्ट में डालेंगे कड़ी पत्ता, इसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। और अब डालेंगे जो हमने बैटर तैयार किया था, इसे हिलाते रहेंगे वरना इसमें ना लम्स बन जाते हैं। ये देखिए बनने शुरू हो गए, तो इसमें और पानी डाल देते हैं। कढ़ी तो बोलते हैं जितनी पकाओ उतनी टेस्टी बनती है, तो पानी डालते रहेंगे और कढ़ी अपने आप बनती रहेगी। जो ये थी ना हमारी हांडी, इसमें डाल लेंगे पानी और इसको ऐसे हाथों से अंदर से साफ करके, और ये वाला पानी भी इसमें। भंडारे वाले, पूजा वाले ऐसे ही कढ़ी बनाते हैं, तो ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसका वेट करते हैं बनने का, इसे जितना ही पकाओ, पकाते रहो पकाते रहो, बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी को, जितना पकाते रहो बहुत टेस्टी बनती रहती है। मैं आपको पकोड़े दिखाती हूँ, देखिए कितने फ्लफी बन रखे हैं, देखिए ये देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं इस तरह से, इसी ट्रैक से बनाएंगे आप तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए ये कढ़ी कितनी सुंदर बनी है, लाजवाब बनी है, ये पक पक के देखो आधी से आधी रह गई है, तो बड़ी टेस्टी बनती है। इस तरह से बनाएंगे तो बड़ी टेस्टी बनती है, और जो कभी कढ़ी नहीं खाते वो भी खाने लग जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी कढ़ी बनी है। और इसमें मैंने ये पकौड़े डाल दिए, अब मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती से इसको, धनिया पत्ती डाल दी है, और ये देखिए बहुत अच्छी कढ़ी बनी है। अब इसको चावल के साथ या रोटी पूरी किसी चीज़ के साथ आप खाएं, बड़ी अच्छी लगती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप भी बनाइए और खिलाइए परिवार में, एंड गुड बाय।